दोस्तों मैं आशीष लाल यादव। जो सब लोग कहते हैं कि बीन बजते ही निकलते हैं सर, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, हम लोग चुनार के जंगल में शूटिंग कर रहे थे उस समय जो है नागराज के सेट पे, और ज्यों ही म्यूजिक बजी उसके बाद एक सर्प सामने आ गया, वो भी दो मुंह वाला। और हमारे यश भैया बहुत ही प्यार से उस सर्प को एक डंडे के सहारे उठाए और ले जाकर बीच जंगल में छोड़ कर आए। तो उसकी हम कुछ वीडियो जो है अपने पास रखे हैं, आप लोगों को आज शेयर कर रहे हैं। ऐसा सर तो हमें लगता है बहुत कम ही लोग देखे होंगे, तो लीजिए देखिए इस सर को। धन्यवाद। देता देखे सर थोड़ा सा। छह महीना उधर चलती है, ये मेरा रावण वाला सीन है इसका। छह महीना सोता है तो एक ही तो मुंह होता है, दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ। हां कुंभ कर हट जाओ, वो अभी उसमें चल सर सर उड़ेगा ही उड़ेगा, उड़ने वाला नहीं होता है, नहीं उड़ने वाला नहीं। इसका दोनों तरफ होगा, गांव में देहात में दोनों ही तरफ हम लोग मदद। हाय फ्रेंड्स, अभी हम इस समय चुनार में नागराज की शूटिंग कर रहे हैं और नागराज के सेट पे बड़ा ही अद्भुत सी एक सांप देखने को मिला है, और वो सांप है दो फन वाला। बहुत कम ऐसा होता है कि दो मुंह वाला हम लोगों को सांप देखने को मिलता है। ये आप सबको दिखाते हैं, देखिए ये सांप दो फन वाला है, इसका एक मुंह इधर है और एक मुंह इधर है। देखिए ये देखिए, ये दो फन वाला सांप है। 6 महीने ऐसा लोग कहते हैं कि 6 महीने ये, 6 महीने ये एक मुंह से चलता है और 6 महीने दूसरे मुंह से चलता है। जंगल में जहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं इस समय नागराज का, ये वहीं पे है सांप। थैंक यू, अच्छा लगा कि हम लोगों के नागराज के सेट पे नागदेव ने दर्शन दिया। थैंक यू सो मच, मैं हूँ आप सबका अपना यश कुमार। वाले कम पाते हैं, चलिए हटिए हटिए हटिए।